नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ में दो व्यक्ति रेखाओं को मिलवाने वाला हूं। एक व्यक्ति रेखा का डिटेलिंग हम लोग इस वीडियो में करेंगे और दूसरे व्यक्ति रेखा का अगले वीडियो में। किसी भी परिस्थिति में दो प्रकार के लोग हमें सामने दिखते हैं, एक को मैं कहता हूं रणछोड़ और दूसरों को मैं कहता हूं रणवीर। अब ये रणछोड़ और रणवीर इनके नाम के हिसाब से ही कुछ अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रणछोड़ व्यक्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपको नाम के हिसाब से तो पता चल ही गया होगा कि कठिन परिस्थितियों में इनका अपना क्या रिस्पॉन्स होता है। वह अपने कार्य से भागने की कोशिश शायद करते हैं। आइए इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। रणछोड़ जो होते हैं ना, वह परिस्थिति अनुकूल कब होगी इसकी राह देखते हैं, और अनुकूल परिस्थिति में मैं कार्य सिद्धि करूंगा इस बात को लेकर के वे जनरली कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ में परिस्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल यह होती ही नहीं है। अभी की ये COVID-19 जैसी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति को भी कुछ लोग बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं और कुछ लोगों ने ऑलरेडी कार्य को आगे बढ़ाने की पूरी ताकत लगा दी है। तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होती, हमारा जो माइंडसेट होता है वह प्रतिकूल या अनुकूल की तरफ में हमें ले जाने के लिए ताकत लगाता है। तो रणछोड़ जो है वह राह देखते हैं कि कब परिस्थिति अनुकूल होगी। उनकी एनर्जी जो है वो जनरली आप लोगों को जो है ना, वो एक प्रकार की एसिडिटी उसमें महसूस होगी। एक प्रकार का उनके चेहरे पे अलग सा तनाव रहता है, जो जनरली कभी हंसते नहीं है। उनके आवाज में अरे यार यह भाषा बहुत इजीली आती है, और उनके प्रेजेंस से ही हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सो, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत कंड्यूसिव आगे ले जाने वाली हमें नहीं लगती, और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने में इन्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। और जो लोग आप देखोगे कि बहुत सारे साथ में मिलकर के प्रॉब्लम के बारे में जब डिस्कस करते हैं और घंटों तक डिस्कस करते हैं, बाहर उसमें से निष्पन्न कुछ नहीं होगा, लेकिन सबको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने प्रॉब्लम को इतना डिस्कस किया, क्योंकि ज्यादातर ये जो रणछोड़ कैटेगरी के लोग होते हैं इनको प्रॉब्लम में रहना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आपको रणछोड़ कैटेगरी के लोग भी काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके काम करने के पीछे का जो मोटिव होता है वह यह होता है कि भाई मुझे खराब नहीं दिखना। जैसे कोरोना के बाद में जब हम लोगों में से एसेंशियल सर्विसेज के अंडर में कुछ लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ा, तो शुरुआत में एक प्रकार से अब यार जाना ही पड़ेगा यह उसके पीछे का भय था, नहीं गए तो हमारे ऊपर में डंडा आएगा यह भय था। उनकी आंतरिक इच्छा शायद काम करने की थी क्या, मुझे नहीं पता। या हो सकता है कुछ लोगों की धीरे धीरे वह इच्छा बदली होगी और वह रणछोड़ से रणवीर की तरफ गए होंगे। सो ओवरऑल रणछोड़ जो होते हैं वे काम करते भी हैं, तो अवॉइड करने के लिए या तो बुरा नहीं दिखना, सिस्टम में हमारा ओवरऑल एक जो इंप्रेशन है वो बना रहना चाहिए, इस मोटिव से वो लोग काम करते हैं। और उनके काम करने में एक प्रकार की ऊर्जा या एक प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि दे माइट बी पॉलिटिकली करेक्ट बट नॉट मॉरली करेक्ट। आज हमने रणछोड़ की प्रवृत्ति क्या होती है यह समझी है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन को लाना चाहते हैं, कई बार आप में का रणछोड़ बीच में आकर के आपको उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए रोक रहा होगा। तो अपने इस अंदर के रणछोड़ को भले भांति पहचानने के प्रयास हम लोगों ने शुरू करना चाहिए, जिससे हम रणवीर की तरफ कैसे जाएंगे ये हम समझेंगे, और कल आपके साथ में मैं रणवीर की खूबियां डिस्कस करूंगा। ऑल द बेस्ट।